छिपकली का साइज देख। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत। तो गाइस आज अपन लोग जो है बहुत सारा काम करने वाले हैं। मुझे एक जगह जाना भी है, एक फार्म पे जाना है। वहां पर देखेंगे कैसे फार्म में काम होता है और क्या क्या चीजें होती है। फिलहाल जो है आज का दिन जो है बहुत अच्छा है, एकदम मौसम साफ है। कल जो है काफी ज्यादा बारिश हो रही, लेकिन फिलहाल जो है मौसम क्लियर हो चुका है। बहुत तेज है, बाहर बहुत गर्मी होगी। थोड़ी देर में यहाँ से नहा धो के रेडी होते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस भरी धूप में निकल गया हूँ मैं, और यहाँ से मुझे करीब 25 किलोमीटर जाना है खेकड़ा की तरफ। वहाँ पर हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका डेयरी फार्म है। तो वहाँ चल के देखते हैं क्या है नज़ारे। खाली बैठा था, मैंने कहा चल यार घूम ही आते हैं कहीं, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है और थोड़ी सी मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेंगे, इसलिए बाइक निकाल ली फटाफट। पर कामों में ना इतना ज़्यादा उलझ गया कि मैं कहीं निकल ही नहीं पाया। अब प्लान जो है धरे के धरे रहेगा। जिस टाइम निकल सकता था उस टाइम मौसम बहुत ख़राब था, रोड्स ही नहीं खुले थे, और जब रोड्स खुल गए हैं लद्दाख के तो अभी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्द जो है सब कुछ ठीक होगा, निकलेंगे अपन भी। गर्मी तो यार ऐसी भयंकर हो रही है, राइडिंग जैकेट पहन के कैसे चलाया जाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हालत ख़राब हो जा रही है। और धूप में निकलने का मेरा रीज़न एक ये था कि भाई इस समय जो है ट्रैफिक बहुत कम होता है और सुबह शाम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसलिए मैं अभी निकला हूँ। वरना मैं सुबह सुबह निकलता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन सुबह जो है उधर की साइड बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उधर से बहुत सारे लोग दिल्ली में जॉब करने आते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है। और शाम को भी ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा, लेकिन एक साइड तो मैनेज करना पड़ेगा। तो भाई हमारी हो गई है यूपी में एंट्री, और भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया। और बाइक भी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, खतरनाक एकदम गर्मी हो गई। आ गए भाई गांव में, ये देखो खेत, पुलिस फायर स्टेशन खेकड़ा। बारिश में बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आने में, अभी तो धूप हो रही है लेकिन बारिश में भी आएंगे एक बार, उसका भी फील लेके देखेंगे। गांव की बात ही अलग होती है भाई। ओ भाई साहब, वो छिपकली का साइज देख। भाई खतरनाक। तो गाइस मैं आ चुका हूँ खेकड़ा में, और यहाँ पर मैं आया हूँ देशवाल ऑर्गेनिक्स के, ये एरिया है जहाँ पर ये अपनी यहाँ पे गाय वगैरह पालते हैं, और यहाँ पे देसी गाय होती है सारी, और यहाँ पर उनका दूध निकाला जाता है और सारी चीज़ें की जाती हैं। शोभित देशवाल भाई ये हमारे घर के पास में रहते हैं, मतलब पड़ोसी कह सकते हो। इनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा चलो यार देख के आते हैं, पता भी लगेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इन सब चीज़ों का काम किया जाता है। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ ऑर्गेनिक की जाती है, तो आपको कोई मिलावट वाली चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो सारी गायें हैं वो सारी देसी है, यहाँ पर कोई भी जर्सी गाय नहीं है, कोई बाहर की कोई भी गाय नहीं है। भाई बताइए यहाँ पर आपके पास कितनी गायें हैं? यहाँ पर 18 गायें हैं टोटल, उनके बच्चे मिलाकर, बच्चों के समेत कैटल वैटल जो है लिविंग वो मेरे पास 27 है। 27 है यहाँ पर। और कौन कौन सी गायें हैं आपके पास? साहिवाल और गिर। साहिवाल और गिर, तो मतलब जो सबसे बेस्ट होती हैं वो सारी गायें यहाँ पर हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पर जो है मिल्किंग चालू होने वाली है, तो देखते हैं कैसे होती है यहाँ पर देसी गाय की मिल्किंग। कितने लीटर देती है? दो बार दूध देंगे। तो
तो शोभित भाई हमको बताएंगे गिर गाय की क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या फर्क होता है नॉर्मल गाय में और गिर गाय में, और जो देसी और विदेशी गाय में क्या क्या फर्क होता है। देसी गाय के दूध में A2 क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, वो काफी बीमारियों के करने में बहुत ज्यादा, जैसे कैंसर भी होता है फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, बहुत काफी रेगुलर पीते है तो फायदेमंद बीमारी में है काफी। बाहर की गाय होती है उसमें A1 प्रोटीन होता है, वो कहीं ना कहीं कैंसर करने का कारण है A1 प्रोटीन, जिससे कैंसर हो सकता है। और जैसे कि अब और जगह दिल्ली में शाहदरा में आसपास काफी जगह ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हमारी किसी गाय को ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगता है और उसका एक रीजन है ऑक्सीटोक्सिन के लगाने के बाद दूध जो मिलता है वो दूध बच्चे जो पीते हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं। आजकल जैसे लड़कियां बहुत जल्दी टाइम से पहले मैच्योर हो रही है, तो वो एक कारण वही हो सकता है क्योंकि वो हार्मोन इंजेक्शन है ऑक्सीटोक्सिन। तो बाकी आपके यहाँ जितनी भी गाय हैं सबको मतलब ऑर्गेनिक तरीके से पाला जाता है, चारा वगैरह भी सब ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक, मेरे खुद की जमीन पे अब स्टार्ट करा है मैंने उगाना, और ऑर्गेनिक तरीके से ही हम खिलाएंगे। अच्छा, और बाकी जैसे क्या क्या प्रोडक्ट आप मतलब सेल करते हो? दूध से प्रोडक्ट, मक्खन, घी, चाय, दूध, सब चीज मिल्क से, मिल्क और नेचुरल तरीके से जो चीज होती है बिलोना तरीके से, वो सब हमारे उस तरीके से ही निकाल के दिया जाता है। तो भाई अगर आपको मतलब दिल्ली NCR में आसपास कहीं रहते हो आप, मोस्टली ईस्ट दिल्ली, लक्ष्मी नगर, करगड़ोमा, यमुना विहार, इधर की साइड कवर है हमारी, और इधर गाजियाबाद वगैरह में भी कर देते हैं। हाँ जी, तो मतलब इधर आपको अगर लेना है तो आप इनकी वेबसाइट में आपको दे दूंगा। तो ये जो गोबर देख रहे हो आप, इससे बनता है कंपोस्ट। इसको कंपोस्ट बनाकर जो है एकदम नेचुरल जो है ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने जो है खेत वेत में भी डलवा सकते हो, या फिर अपने घर के अंदर प्लांट्स में भी डलवा सकते हो। प्लांट्स के लिए तो मैंने मंगवाई थी ना आपसे एक बार, और ये उपले हैं, इनका भी यूज़ होता है एज ए फ्यूल, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ये पूरा एरिया जो है ना, यहीं पर सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर नीम के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी अच्छा मतलब माहौल है एकदम नेचुरल मिट्टी का माहौल। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रहा पूरा दिन यहाँ पर बिता लिया हमने, काफ़ी अच्छा नेचुरल फीलिंग आ गई, गांव वाली फील ले ली हमने। अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। घर की तरफ चल रहे हैं, अब सनसेट होने वाला है, शाम का टाइम है, मौसम ठंडा हो गया यार यहाँ पे। तो अपने दिल्ली में तो अभी भी गर्मी चल रही होगी, सड़ी वाली, सड़ी घटिया गर्मी, यहाँ पर बढ़िया ठंडक हो जाती है शाम के टाइम। सुबह शाम जो है यहाँ पे बढ़िया मौसम होता है, और बाकी दिन के टाइम तो गर्मी होती है सब जगह क्योंकि गर्मी का मौसम है। बढ़िया है भाई, यहाँ की लाइफ जो है ना सिंपल है, जबकि अभी हम दिल्ली से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। खैर अब हम दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं थोड़ी देर में, फिलहाल तो UP चल रहा है। बहुत दिनों बाद यार आज राइड करी है थोड़ी सी, तो कितना अच्छा फील हो रहा है ना बता रहा हूँ मैं, अंदर से जो है ना संतुष्टि सी मिली। अभी और लंबी राइड करने का मूड है, जल्दी करेंगे। कितने दिन से बाइक घर में ही खड़ी थी, बाइक बोल रही होगी अरे ले चलो मुझे कहीं, क्या इसी दिन के लिए लाए थे मुझे। अब ये देखो ये ट्रैक्टर वाला जो है उल्टा आ रहा है, इसकी वजह से पूरा लगेगा जाम। जरा से यू टर्न बचाने के चक्कर में उल्टा ले जाते हैं, और रोड देखो क्या हालत है, जे बड़े बड़े गड्ढे। तो गाइस
फाइनली मैं घर पर पहुंच गया हूँ यार। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा था। आधे टाइम में मेरी हालत ख़राब हो गई जाम के अंदर वेट करते 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 करते, और रेड लाइट पर भी भाई 3 बार रुकूँ तब जाकर रेड लाइट क्रॉस कर पाया हूँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी शाम के टाइम। तो यही दिक्कत है यार, जो इधर का साइड का एरिया ना, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं दिल्ली के, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। चाहे गुड़गांव साइड चले जाओ, चाहे यूपी साइड चले जाओ, हरियाणा साइड चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ भाई, भीड़ ही भीड़ मिलती है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोस के लिए। और कोशिश करेंगे यार जल्दी से जल्दी और वीडियोस डालने की। हो नहीं पाता है, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलर वीडियोज़, लेकिन जल्दी पूरी कोशिश की जाएगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।